हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वीडियो के टाइटल और थंबनेल देख करके आप लोग को पूरा पता चल चुका होगा कि ये वीडियो जेल से आने के बाद शूट हो रहा है। दोस्तों सही सुना आपने कि हमारी जेल क्यों हुई थी, और आप लोग को फ्रॉड रिलेटेड वीडियो देता हूं, आप लोग को होने वाली धोखाधड़ी फ्रॉड से बचाता हूं। इसके लिए मुझे जेल हुआ तो कोई गम नहीं मैं, लेकिन आप लोग को विस्तार से बताऊंगा कि क्या हुआ था हमारे साथ और मैं इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं बना रहा था। तो सबसे पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, होने वाली धोखाधड़ी फ्रॉड से बचने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो को शुरू एंड स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आधार कार्ड से बहुत ही बड़ा स्कैम फ्रॉड हो रहा है। आप लोग भूल के भी कोई फ़ोन कॉल्स में अपना आधार नंबर शेयर मत कीजिएगा, एंड साथ ही साथ पैन कार्ड भी शेयर मत कीजिएगा। एक हीरोइन के साथ, जो बॉलीवुड की अभी हीरोइन है, मैं काफ़ी जल्द उसके ऊपर वीडियो बना के आप लोग के दूंगा, मैं देने वाला हूँ बहुत जल्द, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, इतने दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। मैं आज इस वीडियो में पूरा विस्तार से आप लोग को बताऊँगा कैसे क्या हुआ और क्यों नहीं मैं वीडियो बना पा रहा था, आप लोग को नहीं दे पा रहा था। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आपको एक ही चीज़ को ध्यान में रखना है, अभी बहुत सारे लिंक्स आ रहे हैं आपके मोबाइल में डायरेक्ट, क्योंकि अभी लास्ट सीजन चल रहा है नवंबर दिसंबर, तो आपको बहुत सारे ऐसे लिंक्स आ रहे हैं कि रिचार्ज के नाम पर जियो का फाइबर लगा लीजिए, जियो एयरटेल स्ट्रीम लगा लीजिए, ऐसे बहुत सारे लिंक्स आ रहे हैं, बहुत सारे मैंने देखा मेल्स में, तो मैंने सोचा एक वीडियो इसके ऊपर भी बना के दिया जाए। लेकिन मैं सोचा इसी वीडियो के ऊपर अटैच कर देता हूं ताकि आप लोग को जानकारी भी मिल जाए और ये जेल वाली बात भी पता चल जाए। तो मैं छोटा सा रिक्वेस्ट यही है आपसे कि कोई भी लिंक पे आप टच मत कीजिएगा, आए हुए कोई भी OTP को शेयर किसी के साथ मत कीजिएगा, वरना आपके साथ धोखाधड़ी फ्रॉड हो जाएगा। हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा आप लोग को तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशनल बना रहे और मैं टाइम टू टाइम आप लोग को वीडियो देता रहे। तो दोस्तों मैं आप लोग को कहना चाहूँगा कि मैं टोटल 15-16 दिन से ऑफलाइन था YouTube के अंदर से, लेकिन आप लोग ध्यान दिए होंगे कि YouTube कम्युनिटी टैब में हमारा कुछ कुछ पोस्ट आ रहा था, लेकिन किन्हीं किन्हीं फ्रेंड को लग रहा था कि मुझे जेल हो गया है, तो काफ़ी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किए हैं कि भाई आपका जेल हो गया क्या, कैसे पता चला भाई कि हमारा जेल हो गया। एक कॉमेंट आया था हमारे पास, उस कॉमेंट में लिखा था भाई आपका जेल हो गया क्या, आप वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो मैं उस कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया। दूसरे भाई ने फिर वहाँ पे मैसेज किया, राज भाई ने कहा कि भाई आपका जेल क्यों हुआ, तो मैं सोचा कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि जेल वाली बात काफ़ी ज़्यादा फैला जा रहा है कि AK मॉर्निंग सर को जेल हो गया है। तो हम यही कहना चाहेंगे इस वीडियो के मदद से कि दोस्तों हमारा कोई जेल वेल नहीं हुआ था, और मैं क्यों नहीं बना पा रहा था इतने दिन से वीडियो, मैं लाचार था, मजबूर था। तो हमारी जो नानी है, मैं नानी घर में रहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वहाँ पे हमारी नानी जो है वो डेट कर गई है, तो उसी का पालन मैं कर रहा था, आप देख सकते हो इस फोटो में, तो हमारी नानी जो है वहाँ पे डेट करी हुई थी तो मैं पालन कर रहा था। और आप समझ सकते हो कि जब कोई डेट करता है तो नया नया पहनावा पोशाक पहन के, पूजा रूम हो या फिर स्टूडियो हो जहाँ से मैं वीडियो बनाता हूँ वहाँ पे नहीं आ सकता, तो इसीलिए मैं वीडियो यहाँ पे नहीं आ रहा था, नहीं बन रहा था हमारा वीडियो, और कोई कारण नहीं है। इस वीडियो की मदद से मैं एक छोटा सा मैसेज आप लोग को देना चाहूँगा कि आप मेरा वीडियो में जो भी कुछ स्पॉन्सरशिप वाली वीडियो हमारी आती है, चाहे वो पैसा कमाने से रिलेटेड हो या फिर कहीं इन्वेस्ट करने से रिलेटेड हो, हमारी वीडियो के ऊपर टाइटल में लिखा होता है सबसे पहले हेडलाइन में कि पैसे इन्वेस्ट करने से पहले उस सिस्टम को जांच पड़ताल लें तभी ज्वाइन करें। मैं आपको कभी नहीं बोलता हूं किसी सिस्टम पर आप लोग अपना पैसा निवेश करें, ऐसे निवेश करते हो तो आप लोग खुद जिम्मेवार हो गए, क्योंकि वो हमारा स्पॉन्सरशिप वीडियो होता है और बस छोटी सी प्रमोशन करके वो पैसे को हम कहीं वृद्धाश्रम में या फिर कहीं गरीब को दान दे करके वो पैसा को वहाँ पर हम यूज करते हैं। मैं बहुत जल्द एक यूट्यूब पर ब्लॉग चैनल भी बनाने वाला हूँ, और वो ब्लॉग चैनल के मदद से मैं दिखाऊँगा कि वो स्पॉन्सरशिप वाली पैसा हम कहाँ खर्च करते हैं। आप लोग को
लगता है कि अजय भाई आता है और एक वीडियो बना देता है कि भाई ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ये कर लो, बहुत सारे पैसे कमा लोगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और आप लोग डाउनलोड करते हो, अच्छा खासा पैसा भी कमाते हो, ऐसा नहीं कि सारे एप्लीकेशन खराब होते हैं, जेन्युइन एप्लीकेशन भी होते हैं, लेकिन वो सब वीडियो हम 8 से 10 दिन 15 दिन 20 दिन हमारे चैनल पर रखते हैं और डिलीट कर देते हैं ताकि किसी को घाटा ना पहुंचे और हमारा स्पॉन्सरशिप से मुझे पैसा मिल जाए और वो पैसे को हम सही जगह पे यूज कर पाए। लेकिन आप लोगों को आज तक ने नहीं देखा कि उस पैसे को हम कहाँ यूज करते हैं। सभी लोगों को पता है कि हम दारू सिगरेट ये सब पी के दोस्तों में खर्च कर देते हैं, तो गलत बात है, गलत सोच है आप लोगों का। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं क्योंकि सारे लोग तो एक जैसा नहीं होता है। जिन लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उन लोग को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि हमारा 1,00,000 सब्सक्राइबर आप लोगों के वजह से कंप्लीट हुआ है। और 1,00,000 होने के लिए 1,00,000 होता है तो सारे लोग सेलिब्रिटी का मतलब यानी कि केक काटते हैं, मज़े करते हैं, लेकिन मैं कोई भी मज़ा नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि मुझे दोस्तों के साथ पार्टी करने में मज़ा नहीं आता है। मुझे वृद्धाश्रम में जाना पसंद है और मैं वहाँ पे उन सारे माताओं के साथ मुझे केक काट के खुशियाँ मनाना पसंद है। तो बहुत जल्द मैं 1,00,000 सब्सक्राइबर जो हुआ है मैं वृद्धाश्रम जाऊँगा और वहाँ पे कुछ खुशियाँ मनाने का मकसद ही कुछ अलग है, मज़ा ही कुछ अलग है। दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि मैं जल्द ही ब्लॉग चैनल ओपन कर रहा हूँ, उस चैनल को भी प्यार और सपोर्ट दीजिएगा और वहाँ आप लोग को पता चलेगा कि हम स्पॉन्सरशिप वाली पैसे और जो भी YouTube से पैसे कमाते हैं वो पैसे को 30-40% हम उसी जगह पे खर्च करते हैं दोस्तों। और ये वीडियो आप लोग को इसलिए मैं बना के दिया कि काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पे YouTube के अंदर माहौल बना हुआ था कि AK मॉर्निंग सर को जेल हो गया है। तो दोस्तों काफ़ी मेरे प्यारे भाई बहनों सब्सक्राइबर को ये लगा होगा कि AK मॉर्निंग सर का वीडियो नहीं आ रहा है, तो बस कारण यही था और कारण कुछ नहीं है कि किन्हीं लोगों को लगा कि AK मॉर्निंग सर को जेल हो गया। इंस्टाग्राम ओपन किए, डायरेक्ट मुझे पर्सनल मैसेज कर दिए, मुझे मेंशन भी काफ़ी लोगों ने किया कि सर आप कहाँ हो। तो मैंने इंस्टाग्राम में भी एक दो पोस्ट डाला था ताकि आप लोग को पता चले कि मुझे कोई जेल नहीं हुआ है। किन्हीं लोगों को पता है कि मुझे कोई जेल नहीं हुआ था, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग सोचना स्टार्ट कर दिए थे कि AK मॉर्निंग सर जेल के अंदर में है। अब वो बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, कितने दिन में आएंगे, तो मैं मजबूर हो गया था यार कि वीडियो कैसे बनाऊं, कब आऊं, कब ऑनलाइन आऊं। एक फ्रॉड अलर्ट सर जो थे मुझे मैसेज किए कि भाई क्या हो गया आपको, वीडियो नहीं आ रहा आपका। तो रीज़न कुछ ऐसा था, हम नहीं बता पाए उस समय कि ऐसा रीज़न है। मुझे बता दिया कि तबीयत थोड़ा ज़्यादा डाउन है, और ऐसे भी हमारा तबीयत डाउन है दोस्तों, क्योंकि घाट से आना और फिर से नहाना, एक दिन में मतलब 3 बार नहाना पड़ जाता था, क्योंकि वहाँ भी नहाना, वो पानी थोड़ा सा गंदा पानी, घर पे नहाना, फिर सुबह में नहाना, मतलब नहाते नहाते तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है। अभी भी आप देख सकते हो हमारा जो तबीयत है मतलब थोड़ा सा डाउन है, यानी कि हम मुझे अपने अंदर से थोड़ा सर्दी जुकाम जैसा लग रहा है। कभी कभी रात में शरीर भी हीट हो जाता है, टेम्परेचर जो है हमारा वो बढ़ जाता है, मतलब पूरा ठंडा लगना स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने मेडिसिन लिया है, डॉक्टर से सलाह लिया है। डॉक्टर से सलाह लेने के बाद मैं सोचा कि एक वीडियो आप लोग को दिया जाए। तो दोस्तों बस हम इस वीडियो की मदद से यही जानकारी दिए हैं कि हमारा कोई जेल नहीं हुआ है और आप लोग सतर्क रहिए फ्रॉड, ऐसे फ्रॉड धोखाधड़ी फ्रॉड से जो आपको पैन कार्ड आधार कार्ड मांगते हैं, OTP मांगते हैं लोन या फिर जॉब के नाम पे। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लाऊंगा और आप लोग को होने वाली धोखाधड़ी से बचाता रहूंगा। बस इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए ताकि सारे लोगों को पता चल जाए कि AK मॉर्निंग सर सुरक्षित हैं, कुछ नहीं हुआ उनके साथ। जब कुछ होगा दोस्तों तो मैं बताऊंगा यार, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अरे लाखों के दिलों में राज करने वाले के साथ कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप लोग का प्यार और सपोर्ट जो इतना मिलता है कुछ भी नहीं कर सकता कोई। क्या होगा, मैं चला भी जाऊंगा तो कोई गम नहीं है मुझे, क्योंकि आप लोगों को इतना मतलब प्यार और सपोर्ट जब मिलता है ना, मैं कई हदें पार कर देने का कोशिश करता हूँ, कुछ भी करने का कोशिश करता हूँ। यदि कुछ भी हो जाए, किसी जगह पर मुझे जाना पड़े तो मैं जाऊँगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, सावधान रहिएगा और सतर्क रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।